हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी गुरु में। मैं दिनेश और आप देख रहे हैं स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट 8 क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रश्न पहला है, इनमें से कौन सी आत्मकथा विधा की रचना है? और इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हिमालय की पुकार, और दूसरा ऑप्शन है मेरी असफलताएं, तीसरा ऑप्शन है नदी के द्वीप, और चौथा ऑप्शन है ठूठा आम। तो इनमें से कौन सी आत्मकथा विधा की रचना है? तो हमारा है ऑप्शन ख, मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं आत्मकथा विधा की रचना है। कौन सी आत्मकथा विधा की रचना है? और ये किसके, इसके लेखक कौन है? बाबू गुलाब राय। किसके लेखक है? बाबू गुलाब राय मेरी असफलताएं के लेखक हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है भगवती चरण शरण वर्मा, और तीसरा ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, और चौथा ऑप्शन है यश पाल। तो इनमें से भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? तो हमारे भगवती चरण वर्मा भूले बिसरे चित्र के लेखक भगवती चरण वर्मा है। कौन सी विधा है? तो हमारा उपन्यास विधा की रचना है। कौन सी रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। उनके लेखक भगवती चरण वर्मा। उसके बाद प्रश्न तीसरा हमारा है, विचार विधि के लेखक हैं। तो इनमें से विचार विधि के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, और तीसरा ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और चौथा ऑप्शन है यशपाल। तो इनमें से विचार विधि के लेखक कौन है? तो इनमें से है पहला क वाला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद विचार विधि के लेखक हैं। तो हमारा तीसरा प्रश्न हो गया। उसके बाद प्रश्न चौथा है चिंतामणि के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, और तीसरा ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, और चौथा ऑप्शन है गुलाब राय या फिर बाबू गुलाब राय। तो इनमें से चिंतामणि के लेखक कौन है? तो इनमें से है आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि के लेखक हैं। कौन है? चिंतामणि के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो चिंतामणि निबंध विधा की रचना है। चिंतामणि कौन सी रचना है? निबंध विधा की रचना है। यह निबंध विधा की रचना है। चिंतामणि निबंध विधा की रचना है, वो भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। उसके बाद हमारा प्रश्न पांचवा है चिंतामणि किस विधा की रचना है। पहला ऑप्शन है जीवनी, चौथा ऑप्शन उपन्यास, दूसरा ऑप्शन उपन्यास सॉरी, और तीसरा ऑप्शन है निबंध, और चौथा ऑप्शन है नाटक। तो इनमें से चिंतामणि किस विधा की रचना है? अब यहाँ पर बताया मैंने चिंतामणि किस विधा की, निबंध विधा, तो यहाँ पर है निबंध विधा की रचना है। चिंतामणि निबंध विधा की रचना है, और किसकी रचना है? तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की चिंतामणि निबंध है। उसके बाद है छठवा प्रश्न है कलम का सिपाही के लेखक हैं। तो कलम के सिपाही के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है अमृत राय, दूसरा ऑप्शन है गुलाब राय, और तीसरा ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, और चौथा ऑप्शन है वैद्यनाथ मिश्रा। तो इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद कलम का सिपाही के लेखक हैं। मुंशी प्रेमचंद कलम के सिपाही के लेखक हैं। और यह किस विधा की रचना है? तो ये हमारी जीवनी विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की रचना है। कलम के सिपाही जीवनी विधा की रचना है। उसके बाद प्रश्न सातवां है सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है। तो पहला है उपन्यास विधा, दूसरा है कहानी, तीसरा है नाटक, और चौथा है निबंध। तो सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है? तो हमारा है उपन्यास विधा की रचना है। और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है गिरिजा कुमार माथुर। सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक हैं। उसके बाद प्रश्न आठवां हमारा है
प्रश्न आठवां है, प्रतिध्वनि के लेखक कौन है, प्रतिध्वनि के लेखक कौन है। ऑप्शन हमारा है जयशंकर प्रसाद, जयशंकर भारती, और दूसरा ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और तीसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, और चौथा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। तो इनमें से, इन चारों में से प्रतिध्वनि के लेखक कौन है, तो इनमें से है जयशंकर प्रसाद प्रतिध्वनि के लेखक है, प्रतिध्वनि के लेखक है जयशंकर प्रसाद। और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है, तो प्रतिध्वनि हमारा प्रतिध्वनि है कहानी विधा की रचना है, प्रतिध्वनि कहानी विधा की रचना है, कहानी विधा की रचना है, प्रतिध्वनि कहानी विधा की रचना है, किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए। अगर वीडियो देखा है तो कमेंट जरूर करना, आपसे यही रिक्वेस्ट है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।